हम बतावत बनी बनारस के धरती में तो कुछ बढ़िया बात कुछ बढ़िया बिरहा हो जा ताकि आप लोगों के कुछ पल्ले पड़ जा। इतना शांति से आप लोग बैठे रहो कौन गवैया रही जो मन लगा के ना गई जो ना गई मास्टर साहब होकर दुर्भाग्य रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के देत बनी ऐसे ही शांति बनौले रही। एगो बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा बिरहा बहुत बढ़िया आप लोगों के पंकज भैया सुनौले है। आज हमारे हिंदुस्तान के नौजवान बड़े नाराज हैं रोहित भैया बड़े परेशान है आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हमारे हिंदुस्तान के नौजवान भाई। क्यों? एक योजना चली थी अग्निपथ योजना जिससे हमारे भाई क्यों नाराज है रात भर दिन भर परिश्रम करते मेहनत करते हैं कि हम भारतीय हो जाएंगे देश की रक्षा करेंगे धरती माँ की रक्षा करेंगे लेकिन चार साल के लिए कौन मेहनत करेगा सारी मेहनत खराब हो जाए सिर्फ चार साल का नौकरी उससे बढ़िया तो अपन प्राइवेट जॉब पा। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ बाबू जरा गौर करिएगा कि एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है। आइए मालिक एक मिनट सचिन बलटारा आयर बाजार से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रहे हैं। आई मास्टर सही कर ये काम बढ़िया कहला तुरंत फेंका मजा तो लो ले रहा
डिस्टर्ब कर सके तो यार घिसत है खाल हो जाता यार। बलदाऊ अच्छा आप बलदाऊ यादव नेताजी और रामपुर के धरती से आपने नेताजी एक बार हथवा उठा दे समझ जाए खुद ही। बहुत बहुत आपके प्रणाम। ₹200 का पुरस्कार बिरहा के बीरस के भाव को सब भाई के नमस्ते प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग नेताजी का स्वागत करी ताली सब कर लगे के चाहिए। अब फुल एनर्जी में बैठी बैठल का धन्यवाद प्रणाम बा। माई सरस्वती आपके कलम पर हमेशा हाथ रखले रहे। या कोई मुकदमा फरियाए ना पावे कहे मुकदमा ना फरियाई तका होई बजा तो यत कमाई होई। राकेश के जीव से पूछा ए रखी डाई ऑफिस अब जतना जल्दी फरियाए जा ओतने बढ़िया बा। ए बहुत बहुत आपके प्रणाम। सब भाई के नमस्ते प्रणाम। ये लोग 6 भाई हो सात भाई वकील साहब सात भाई पूरा गंगा कब्जा कर लिए हो। तीन पागल हूँ तो जाले का इनके घर दवाइया ले जाते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। ₹200 का पुरस्कार पीरस के भाव पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब इन नेताजी जाए के ना मैं हूँ बैठे लिए 10-15-20 मिनट आप लोग बिहारी सुन के करे बाद आप लोग कुछ डिसीजन लेवल जाए कहना है। हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं संपत्ति।
और देश की रक्षा करूंगा। जो मेरे जवाने हैं देश के काम आएगी। तो भर्तिया में जाए तो संजोग देखा भर्ती हुई बे ना करे। कई बार ऐसे भयल तो एक दिन बुढ़िया माई संजय से कली करे बेटा। खरे बेटा तोर माई बुढ़ा जाए चाहले अरती भर्ती अरती भर्ती कैले है हमरे जीते तोर बिया हम कह दे। अब देख ले तोरे बेटी बेटा मेहरारू के तो हमरो आत्मा के संतुष्टि भेटा जा। देखा धरती पर कोनो माई बापी ना सोचलन कि अपने बेटी बेटा का बियाह ना करी। सब सोचेला कि अपने जियते अपने बिटिया बेटवा का बियाह कर दी। अभी बतिया संजय अपने माई का मान गईलन अब बियाह आता है भले आरती नाम के लड़की से। संजय का बियाह जब हो गया तो देखा ये भैया चरियो दिन अले आरती के ससुराल में ना भयल। लोग कहेगा ना कि कोनो कोनो औरत का गोड़ी बड़ा ठीक होने आंगच बड़ा बढ़िया होला। जैसे ही आरती घरवा में अली घरवा का दृश्य बदले लगल बिगड़ल काम बने लगल। अब वही में 10 दिन बीतल और 10 दिन बाबू खुली भर्ती निकल गई बा। अब वही में गईलन आखिरी बेर संजय अपन तकदीर अजमावे भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन फौजी जवान बन गईलन। अब आरती करो आरती उतारत बा कहत है भैया अरे संजवा का मेहरारू साक्षात लक्ष्मी बा। हो देखा इतना दिन से संजवा मेहनत कैलस भर्तिया ना होता है आ जैसे आरतिया आई लेकर कुल कमाए बने लगल। आप देखे भैया समय बीतल अब फौजी जवान के ड्यूटी से आना जाना जारी बा। वही बिचवई में आरती के गर्व रह गए। गर्व गर्व देखो गर्व का मतलब समझे तो पेट में बच्चा पड़े लगल। 9वां महीना लग गया। और जब 9वां महीना लगल तो फौजी जवान छुट्टी लेके संजय घरे आइलन। अब 3 दिन बीतल हो अब तब संजोग देखा सीमा से फोन आ गल संजय कुछ फौजियों की जरूरत है आप सीमा पर चले आइए। अब गौर करिएगा बाबू यही है फौजी जवान की जिंदगी सारी खुशी को दिल में छुपा लेता है करता है क्या गीत लगल बा। गीत बड़ी प्यारी बा इहो कोनो भौजाइये के बात बा। पंकज भैया पंकज भैया का अपना मुजाला के बहुत मानीला। तू तो करता ले काटत हुए ना। अच्छा भैया तुके विश्वास बा कि ना कि हम तुके मानीला कि ना मानीला। कितना माने लो बहुत मानीला इतना मानीला इतना मानीला कितना मुसर वो खरीक माना लो। हाई सरकार का अब तो हमान के बीचे में मत पड़ा प्लीज। ले हमार गवैया गवैया या भरिया ले कि कितना वो हम मानल हमार बड़ भाई हो और पर हम छोट बहिनू कितना हम के मानल। वो खरी मुसर के बात करबा त अच्छी बात ना हम बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू। कोनो भौजाई बा ओकर बढ़िया निम्मन देवर रहल ओ रहल क्रिकेट के खिलाड़ी अब फील्ड में मरले बा छक्का चौका हो इतना चाल हमके जमत ना बा।
समझ लिया कि और तोहर भैया ही है नो पकड़ के हंस हंस कटवाए दे का कटवाए दे वो पैठवा के मुट्ठी अब खरा सुना अब तब ले देवरवा गए खिसियाए शर्माए के देवरवा कहत बा का कहले बा हो ये कहत बा ए भौजी अरे सुन भौजी भौजी का कर दो तिन तिन दो तकिया साइ
सुपारी का बाजार करे आगे रोहुआ वही हमार ढाबा बा उजाला ढाबा। तब पापा के व्यस्तता पड़ी गई ढाबा पे मतलब तीनों रात वही उनका ड्यूटी रहे ले। दो बजे रात पिया छिले पड़ा तरह की पापा से फोन भेल दिनेश भैया कहा कि देखा चाचा आपके अवे के पड़ी हमारे प्रोग्राम में जरूर अवे के पड़ी कुल काम छोड़ के अवे के पड़ी। हमारे पापा कहा कि ऐसा बा इतना रिक्वेस्ट करत हुआ दिनेश भैया बड़ा मेहनत करत हुआ 12 दिन का ही कार्यक्रम करत हुआ ए लिए हम तोहरे कार्यक्रम में जरूर आई। पापा होटल का काम कुल छोड़ के छोटके भाई के बैठाई के बड़के भाई राकेश के लेके अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से डायरेक्ट यहाँ आ गई लन। तो टेम्पो से लुहा हाँ वो सफारी से ले दूर दूर जाए में बड़ा मेहनत हो जाता रहे तो ऐसो एदा पारी नई सफारी ले ली आप लोगों की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से। आशीर्वाद से ना आप लोगों पैसा से आप लोगों के पैसा से इस सच्चाई बा आपन लोगों के पैसा से घर बनल जमीन बनल होटल बनल सफारी आई स्कॉर्पियो आई ट्रैक्टर आई बाइक आई और मैजिक आई टेंट फुटल खुलल तई देखा आपन लोगों के पैसा सच्चाई बा आपन लोगों के पैसा सर के पाप के तेरे ही हुई पागल कहीं कर पैसा वक्त यही लोग के लगी ना जात भैया यही सब बात काटा थे नहीं तो पागल आदमी कुछ और कह दिया। हमार पापा भी आए हुआ आप लोग देख लिए मेरे दिनेश भैया स्वागत सम्मान कहले रहे पापा हमार सूत गल रही है हम चाहत बनी कि पापा अगर जागत हुई तो आप मंच पर आई हम आज माला पहना के आपको स्वागत कर चाहत बनी कहा से जो गावत है बजावत है हमारे पापा का देन बा मम्मी का देन बा हमारे मम्मी पापा का ऐसे देन बा कौनो नई धुन आई तो मम्मी कहे हे उजाला नेटवा पे आप देख ली है धुन बजत है लेकिन कहानी हूं के गऊ तू लिखली का हो तार मम्मी। अच्छा ओके हम तैयार कर पापा के अगर रतियो तो कौनो तर्ज मूड में चढ़ी तो फोन कर दिया उजाला ये तर्ज के तैयार कर लिया अगली विराह में के डला दिया। देखा ये माई बाप का प्यार है आशीर्वाद बा और उहे धुन बा जो ने धुन के स्वर की राम दे गुरु अपने जमाने में पड़ा लहाई के गाँव में कैसे गावे राम दे गुरु का अंदाज अलग रहे ये हमार अंदाज है पापा हमके सिखौले हुआ कैसे बच्चा गजभार के गुजारिया कथा पुकार
सम्मान के आप माननीय कार्तिकेय सिंह यादव एडवोकेट साहब जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में 100 बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद के जा रही माई सरस्वती आपके कलम पर हमेशा हाथ रख ले रहे। विराम पर ध्यान दीजिएगा बाबू, फौजी जवान संजय सीमा पर तैनात, जो सिंधु नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है उसी नदी के तट पर फौजी जवान तैनात है। तबले होता है क्या मास्टर साहब? चाहते थे हिंदुस्तान का जवान संजय की निगाह काम कर गई। देख लिया संजय, तेरी नहीं किया बाबू हाथ में हथियार है। आतंकवादियों के सारे आ गए लड़ा मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 बचे हैं। वाह, 2 नहीं 5-6 लोग रहे हैं। 5 आतंकवादी तो मर गए लेकिन अभी 2 बचे हैं बाबू। 2 नहीं 5 बचे हैं। पागल कहीं कभी रहा भी गड़ेगा 5 बचे वहां 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 का तो मतलब हो तो कई बार अथवा कर दू सब आतंकी है। 5 मर गए, 2 पापी बच गए। अब बकिया सब गायब है, 2 ही है। कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। वे छुप जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का 1 फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का कुछ ना पाए हैं और सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छरवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिन डेट बॉडी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। साथ मौत में बदल गई, साथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहावे भैया हो यही समार मोड़ ले ललस, बिरहा पीर रस से आ गई करुड़ रस में। फौजी जवान 5 आतंकवादियों को मारा, कदम आगे बढ़ाया, समझ नहीं पाया दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, फौजी जवान संजय के कंधे में लग जाती है। अच्छा तो बड़ा हिम्मती है जवान, संजय को गोली लगी है, कदम आगे बढ़ रहा है लेकिन शरीर ये भये बाबू बैलेंस बिगड़ गए। जब बैलेंस बिगड़ गए अब फौजी जवान वही नदिया में गिरलन और संजय डूब गिरलन। भारतीय सेना लगातार कई दिन उस नदी में जगह जगह जाल डाल करके फौजी जवान खोजते रह गए लेकिन मेरे बाबू संजय की लाश नहीं मिलती है। जब फौजी जवान की लाश नहीं मिली तब
करके शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। अब ये भैया संजय के घरवा पे खाली संदेशा जात बा कि आपका बेटा संजय शहीद हो गया। आप लोग सोचिए बाबू, जिसके घर का कोई भाई बेटा फौजी होगा उसको पता होगा, कहीं घटना घटती है तो लोग टीवी पर बैठ जाते हैं देखने के लिए, कलेजा आधा हो जाता है। अब माई बाबू पर का बीतल हुई हो भैया, जे जहां गिरे थे तहां गिरे, लेकिन समाज को देखते हुए लोग अंतिम संस्कार कैलन। अच्छा, अंतिम संस्कार कैसे कैलन? एक नाम लेकर के संजय का, सिर्फ नाम लेके संजय का बाबू ये लिए कि लाश तो मिलबे ना कही, अंतिम संस्कार हो गए। अब ओकरे बाद फिर भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राश एक चेक मिलता, किसके नाम? जो विधवा है आरती के नाम। आज अब 10 लाख रुपया का चेक मिलल, अभी घरवा में भैया और जहर का बीज बन के बोआए गए, पूरे परिवार का बिचरवा बदल गए, सबकर निगाह सिर्फ 10 लाख रुपया पर जात बा। इस सबके भुलाए गए कि हमार भाई रहल, हमार बेटा रहल, संजय शहीद हो गए। एक दिन की बात है, जो आरती का ससुर संपत है बाबू, वो पापी, देखिए पापी मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अंदर से क्रोध आ जाती है, ओ पापी इमोशनल अत्याचार किया। आरती को बड़े प्यार से अपने कोठरी में बुलाया, बेटा आरती कुछ काम है तुझसे, आज मेरे रूम में चली आना। बेचारी लाचार है, विधवा है, मरता क्या नहीं करता। अंदर अपने ससुर के कोठरिया में जब गई आरती ने, तो पपियवा अंदर से दरवाजा बंद कर दलस, आ दरवाजा बंद करके कैलस का गीतिया बदल गई मास्टर। ध्यान दीजिएगा, ओ बुट्ठा, आरती का ससुर बोला, आरती तुझे भी गम है, मुझे भी गम है, क्योंकि मेरा बेटा तो संजय, तुम्हारा पति तो संजय। सुन मेरी बात, एक काम करो आरती, जो मेरे दो बेटे हैं अभय मृत्युंजय ना, जो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, इस झगड़ा की जड़ तो तुम हो। आरती का मुंह में बवाए गल, अरे बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं हूं कैसे? तब पपियावा कहत बका कहलस कि कहलस फौजी अजय महुतिया के महतिया, सुनना सुन, जो 10 लाख रुपया है ना बेटा, उसी पैसे के चलते अब है मृत्युंजय लड़ते हैं, तो एक काम कर बेटा, वो 10 लाख रुपया हमारे नाम ट्रांसफर कर दे। मैं वादा करता हूं आरती, जब भी ये खर्चा करूंगा ना,
तो सिर्फ तुम्हारे नाम से तुम्हारे काम से, और मैं किसी को एक रुपया देने वाला नहीं हूँ। अरे बाप रे बप्पा, आरती टूट गई। आप लोग सोचिए, जो विधवा है बेचारी, जैसे सब सहारा टूट गया, ओके 10 लाख रुपया कौन दिन चली, करोड़ों रुपया दे दा, वो रुपया वो पति के बराबर ना हुई। आरती टूट गई, हैसे अंदरमा से शरीरिया आरती का कांप गई। बहू जी कहा कोहत बनी, हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरवा पर आरती गिर गई। गिर के बड़ी ऊंची बात कहती बाबू, का कहली, अरे मोरे राम रुपया तो हके लौका बाबू जी, बापू अरे मैं आपके बेटा के ही जर से हूं, और आप पैसे की बात कर रहे हैं, मैं क्या भगवान का बिगाड़ी थी, इतने कम उम्र में मैं विधवा बन गई। बाबूजी मुझे रुपया पैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाप रे बप्पा, वो पपियवा समझ गल, अब अर्तिया 10 लाख रुपया ना दे। मारा गुस्सा में लाल, आई के दुअरवा इतना पसीना फेंकने लगल बुढ़वा, आई गोड़वा पे गोड़वा चढ़ाई के बैठल, आई अपने बुढ़िया के बलौलस बुढ़ा एक लोटा पानी लेके आवा, आई बुढ़िया पनिया लेके आई तो बुढ़वा के देखला शरीर से पसीना, बुढ़िया घबराई गई, लगल हर बार टॉयलेट आवे, देखे हो कि गायब हो गए। लेकिन आज हमार दिमाग ठीक ना बा। बुढ़िया कलस का भयल, कहाँ कोरे हई अर्तिया, का 10 लाख रुपया पाई गई, ये तो छोटकी जहाज हो गई है रे, आसमाने उड़त बा, एकर जमीन पर पैर ना पड़त बा। अब भैया पाए गई बुढ़िया, पतोही का शिकायत। देखिए विराह के सुनने वाले भैया बाबू, जरा गौर करिएगा, 100% में 90% ऐसा सास होनी जो हेतना पतोही का शिकायत पैया, वकील साहब ऐसा झगड़ा बहुत तोड़त पैया, हेतना शिकायत पैया तो हेतनी बड़ी बना दी है। बुढ़िया वो है काम करे, बुढ़वा के लगन चमक है, कहे काहे बुढ़ऊ तुझसे तो पहले ही कोली की अर्तिया कुलक छबी बा, डाइन बा, हमारे लाल के खाए गई, करो माऊ हो रा माऊ, अल्लाह लाऊ के खाइले हो रा माऊ। कहाँ के जल्दी है खाई, काहे इनके जल्दी खाई, यो संपतवा भाई है के है, ये रंपत हरामी। बुढ़िया रोवत बा कि रमाऊ हो रमाऊ, अल्लाह लाऊ के खाइले हो रमाऊ, तो हाऊ के खाई। बुढ़वा कहे बुढ़िया सुन सुन, तेरा किसिम का मुंह मत बनाओ, बुढ़ौती आ गए तो खाई पड़ी का खाई रे, चार दिन में खोरे हाय अर्तिया खाई हम के रे, मिल के पूरा परिवार अर्तिया के ऐसा खाए जाई ना कि पेपर पत्रिका पता ना पाई, जवान पशियों के चाट के खत्म कर दी है जाए। बुढ़वा का विचार बदल गए बाबू, आप बुढ़वा ऐलान घर में कर ले बुढ़िया दे, अगर हम में तजियत देखल चाहबी तो आज के दिन से अर्तिया का खाना पानी घर में सब खाई अर्तिया उपवास सुती। देखे मेरे बाबू क्या यही इंसानियत है, आरती उपवास रहती है, घर में सारे लोग खाना खाते हैं, बताइए कब तक आरती उपवास चलेगी। लेकिन है भौजी जवान की बीबी बड़ी वफादार है, सारा कष्ट झेल लेती, लेकिन अपने दिल की बात किसी से कहती नहीं है। अगर आप लोगों के बाद 2 दिन खाना ना मिले तो तीसरे दिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीतेगा। आरती की तबीयत खराब हो गई, जो आरती का छोटा बच्चा है, जो माँ का स्तन पीता था, वो बच्चा भी बीमार पड़ गया। आरती अपने लिए नहीं, परिवार में कहते रह गई, मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए, कोई परिवार में सुनता नहीं है मेरी बाबू। लेकिन एक माँ होने का फर्ज
आरती निभा देती है। अपने बच्चे को लेकर के कदम घर से बाहर निकाल दी। कहां गई डॉक्टर साहब? क्या डॉक्टर साहब उस बच्चे को देखते हैं, आवाज हो जाते हैं, ठाकना शुरू कर देते हैं। अरे किसका बच्चा है? ले जाइए मेरे हॉस्पिटल से बाहर, इसका इलाज नहीं होगा। अरे इस बच्चे को तो 4-6 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। आरती गई, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब मैं विपत्त की मारी हूं। डॉक्टर साहब कौन सी विपत्त है तुम्हारे ऊपर, क्या करने के लिए आ रही हो? डॉक्टर साहब मेरी बात अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपके आंख से आंसू चलाएगा। जल्दी बताओ क्या बात है, क्या समस्या है? कहे डॉक्टर साहब मैं विधवा लाचार हूँ, एक शहीद की पत्नी हूँ। डॉक्टर साहब मुझे 10 लाख शहीदी राशि मिली है। डॉक्टर साहब उसी पैसे के चलते परिवार में मेरी 1 पैसे की कदर नहीं है। मुझे लोग मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब मुझे भोजन तक नहीं देते। मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए ही जी रही हूँ, नहीं तो मर जाती। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को दर्द आ गया, आंख से आंसू छलकाया। अरे ये तो भी बेचारी एक अबला है, विपत्त की मारी है। उस बच्चे को क्या हुआ था पता है? डेंगू बुखार पकड़ लिया था। और डेंगू बुखार भैया अगर आप लोगों में से कभी किसी को हो जाए, देखिए हल्का में मत लिया, बहुत डेंजर है। बुखार होता है जो शरीर का प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, शरीरिया में खूनमय ना बोले दे। अब आरती रोती है, डॉक्टर साहब बोले बहना सुनो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, लेकिन भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे। डॉक्टर साहब उस बच्चे को इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन बारे दुनिया के मालिक उस बच्चे को बाबू दवा से भेंट हो गई। धीरे धीरे बचा के बचौआ के आराम होके लगे। और जब आराम हो गए तब डॉक्टर साहब फिर कहते हैं कि आरती 30,000 रुपए की जरूरत है, जो दवा का खर्च है, बाकी खर्चा मैं सहलूंगा। अब आरती कहां पाएगी 30,000 रुपया मेरे बाबू? आरती जाती है बैंक से, पहले का जो कुछ पैसा था निकाल लेती है, जो पैसा कम हुआ तो आप लोग जैसे आम इंसानों से उधार रुपया लेकर के आरती 30,000 जुटा लेती है और चल देती है हॉस्पिटल। अरे ये गजब हो गया, जो आरती का ससुर संपत है वो पपियवा गद्दारी के दलस सारा लोकेशनवा मुट्ठी में रख लेगा। आरती 30,000 रुपया लेकर हॉस्पिटल जाएगी, अपने बच्चे को लेकर के फिर इसी घर में आएगी। अब 10 लाख रुपया आरती के पास ही रह जाएगा। 1 लाख रुपया में बाबू 4 गो बदमाश पपियवा खोजल संपत आरती के ससुर, आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे। और चारों बदमाश 1 लाख के लालच में आकर के नहरी के पुलिया पर बैठ के इंतजार करते हूँ। रोड है, तमाम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब आरती जा रही थी तो एक पापी बदमाश पहचान गया, बोला एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती हैं? हाँ जी जी भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय शहीद? हाँ 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 भैया, हाँ मैं उन्हीं की मैडम हूँ। आप लोग कौन? आरती तो यह समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। अतवले भैया हुई है बतिया जहर हो गई, लेकिन पिछवा से पपियवा छौक के एक कंधवा पे आरती के चढ़ी गए। चढ़ने के बाद यह कस के मुहवा दौरस अवजिए आरती का बंद। अब दूसर का पपियवा ऐसे ऐंठ के हथवा वो भैया पीछे का डालस। आइए एक बरवा पकड़ के नहरी के पुलिया से रोड कटल, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, और वही खेतवा में ले जाए के पपियवा सो आरती के पटक दल। अब आरती के मारत हुआ प्राण बा निकलत ना बा, तड़पत बा, रोवत बा आरती, हाथ जोड़ के कहत बा विरह के सुनने वाले भैया बाबू अगर दिल से आप लोग सुनेंगे तो बार कलेजा दहल जाएगा कि हम नारियों पर कितना बड़ा अत्याचार होता है। नारी तो अबला होती है, पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए नारी के ऊपर,
नारी की क्या औकात है बेचारी की, लेकिन वो पापी मारते हैं आरती गाय नियर छपटी आत पर रोवत बा कहत बा का कहले बा 1 करोड़ के 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ उसके भाव पर आरती रोती है कहती है क्या कहती है माइटन जी। नेता जी बस 5 मिनट हमारे विराय आखिरी होगा, 5 मिनट और बैठी करा बाद उठी बैठी तब जइए हम समझत बनी भौजाई के फोन होत हुई डिस्टर्ब होत हुई 5 मिनट और बैठी विराह के आखिरी समझ के आप जइए। 200 रुपए का पुरस्कार लगातार पुरस्कार दे करके सम्मान किए हमारे नेताजी आप बलदाऊ यादव जी उगापुर की धरती से, यही तो है नेताजी। आप लोग इतनी कीमती समय आप लोग हम कलाकारों के देते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। आप लोग बड़े शांति से सुन रहे हैं तो मन कह रहा है गाने के लिए, नहीं तो गाने की हिम्मत उम्मत नहीं है, लगातार प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इतना प्यार देख के मन करता गावे की, कबो कबो मन कहे लगावे के। नेताजी 5 मिनट और बैठिए हमारे विराय आखिरी बात। 1 करोड़ इसके भाव पर हमारे बड़े भैया हमारे धर्म के भैया हैं रोहित यादव जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार हरहुआ के धरती से भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। और 200 रुपए का पुरस्कार आप माननीय कार्तिक यादव एडवोकेट साहब जी की तरफ से एक लगातार पुरस्कार देकर के सम्मान किए 1 करोड़ इसके भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। जरा गौर करिएगा आरती रोती है भैया मुझे मत मारिए मैं मर चुकी हूँ, अरे मैं विधवा हूँ ना चारों मत मारिए भैया मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं। आखिरी बात बड़ी ऊंची बात आरती कहती है क्या शनुराता उजरल भैया पखिया वो चारा जाने पखिया वो चारा जाने उजड़ गया मेरा बच्चा हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर जाएगा, मेरे परिवार के लोग देखने तक नहीं जाएंगे। फिर भी वो पापी नहीं मानते, मारते हैं आरती को, गला दबाते हैं। आरती समझ गई कि जो मेरे पास 30,000 रुपया है लगता है इसी के चलते लोग मार रहे हैं। बैंक का चैन खोलती 30,000 रुपया निकाल कर पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं, लेकिन विराह सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा मारने वाले से बचाने वाली की बाह वकील साहब लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया, फौजी जवान गाड़ी को रोका, हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज, फौजी जवान फोन रख दिया, भाई फोन रख दो। इधर उधर देखा पता नहीं पाया, जब झुक करके बाबू अरहर के खेत में देखलन तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हैं, कंधे पर बैठा 12 हिंदुस्तानी फौजी जवान, निकाल कर फेंक दिया। दौड़ गया तब ले आरती के छोड़ के चारों मदमसवा भगे लगलन। अरे है फौजी जवान दौड़ा करके बाबू यही कालर एक फौजी एक को पापी बदमाश का पकड़ लिया, खसीटते हुए लाया फौजी जवान वही आरती के बगलिये में उठा के कटक के नेताजी ठेगुनवाई छतिया पे लगौलस लगाई के त्यारस चार के हुनी।
लगना 100 रुपया गिनने फर 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 ये करतलवा दे ये को गिनवा 1 लाख जमा करा पहले जब 4 केहुने लगल तब मुहे से गजार होए लगल उठा था गिर जाता कर भैया मत मारिए हम लोग चोर थे बदमाश थे एक रही इंसान बन गए तब ले फौजी जवान खींच कर तमाचा दिया छाला बदतमीज अरे कबल आपकी मदद नहीं कर सकता तो क्यों तू चारों मार रहा था मुझे यह जानना है अरे भैया आरती है इनकर पति संजय शहीद अरे बाप रे बप्पा जब फौजी जवान सुन लो संजय शहीद विचार करने लगा क्या वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था इस संजय की बीबी तो फिर बोला क्यों मार रहा था भैया इनकर ससुर इनके शहीदी राज 10 लाख मिलल बा इनकर ससुर 1 लाख हमान के दी है 9 लाख अपने रख लिए जब आरती के बेटा के मार दी है यही तो तब फौजी जवान दिमाग लगाया समझ गया कि अगर मैं पैसे के चलते अगर आज आरती को बचा करके घर भेजवा दूंगा तो एक ना एक दिन संपत आरती को मरवा डालेगा दिमाग लगाया चारों बदमाशों से बोला सुन भाई मैं भी इसी विभाग से हूँ इसको और इसके बेटा को मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा आ जा करके चारों लोग तुम 1 लाख रुपया संपत से ले लेना चारों बदमाशवा गईना संपत के द्वारे और संपत द्वारे ऐसा बैठल रोहित भैया लगा था कि कई गाय को हत्या उनके लग ली हो लमोए से चारों बदमाश गए इशारा करने की अर्थिया का गला दाब के मन मार डाली तब बुढ़वा का कहा चुप चुप पीछे से अब पीछे से चारों बदमाश घरे में अल तब बुढ़वा बुढ़िया से जाई कल देखलू न बूढ़ा अर्थिया बुढ़िया कल कहा अर्थिया मर गई बुढ़िया कल साचो बुढ़ऊ की मजाक करत होगा कौन मर गए है नानी 1 लाख रुपए वाली आए के जल्दी सता नहीं तो भेदवा खुल जाई बुढ़िया यही ठक के जात के बक्सा खोले वकील साहब ऐसी केस बहुत आती होगी जरा ये सोचिए आप लोग अगर यह घटनवा कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथे भयल हो एक घंटा माठ दाई भी होश हो हाँ अब अवेलो हॉस्पिटल में रहती हूँ जाए के बक्सा खोला से 1 लाख रुपया निकाल के और चारों बदमाशन के दे दला चारों बदमाश नौ दो चारों बदमाश यहाँ का बतिया छोड़ा बुढ़िया बुढ़वा खुश समय अर्तिया मर गई 10 लाख नाए हमारे ट्रांसफर हो जाई लेकिन दिमकवा आप लोग वहां तनी से लेके चलाए आगे जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल रहा जहाँ नदिया में डूबल रहा वहां का हो तो फिर हमें आल्हा कलाई बा जवान की लाश बहते हुए आ रही थी साहब मैंने देरी नहीं किया
उस लाश को निकाला बाहर तो देखा एक गोली लगी थी, साहब हल्की हल्की सांसें चल रही थी। मैंने ले जा करके इलाज किया, करवाया हॉस्पिटल में। उस फौजी जवान को आराम हो गया है, वो अपने परिवार से मिलना चाहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके परिवार से मिलवा सकूं। एक काम करी सर, चली ना मदद कर दी, उसके परिवार से मिलवा दी साहब। जब फौजी जवान जाते हैं हॉस्पिटल में, देखते तो आवाक हो जाते हैं। अरे भाई संजय, अरे तू तो शहीद हो गया था, तू जीवित कैसे मिला? तब मीडिया वाले पहुंच गए, अब टीविया पर दिखावत बा बाबू, जो संजय शहीद हुआ था वो संजय जीवित मिला, हॉस्पिटल में मिला। कल सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार से संजय के घर ले जाकर के मिलवाया जाएगा। टीविया रोहित भैया पूरा हिंदुस्तान देखत रहो, टीविया संपदो सर्वा देखत रहा। हाँ ये बात सही, इतनी रात भर में बहन के बढ़िया बोलना। जब उस संपत देखला ना, तो बुढ़िया से कहे ए बुढ़ा रवा इधर टीविया पे देखा। बुढ़िया कहे का ये बुढ़ऊ, ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखला हो? हां हो। बुढ़िया कहे जा, बुढ़वा को लो नानी नहीं तो सिनिया चल जाए चाहे ले। बुढ़िया चश्मा लगौलस देखत कह अबे कबाऊ, ये सब हमर औलाद ना। बुढ़वा कहे ऐसे लाल रहना चिन्हत ना हो, अखिया फूट गई है तो हार तोहार फूट जाए। हाँ का सुन, खरे पगली अब केहू का कुछ बिगड़ले ना रहली रे, घर का काल तो लड़तिया रहल ना। मर गई लड़तिया पहली खुशी, दूसरी खुशी 10 लाख हमारे नाई ट्रांसफर हो गई लई, आई देख बेटा हुआ जिये थे मरे रे देख। तीसरी की खुशी फिर रुपया कमाई, चौथ की खुशी न बुढ़िया ये ना पारी एकर संजय्या का ब्याह करो ना, जैसन दहेज लेवे पूरा टोला मोहल्ला देखी। अब वही नेताजी वो पपियवा के धनवा के जरूरत बा, लगत हम मर जाई तो लाज के लेके जाई। तब ले भैया होकल हुआ, सैनिक सम्मान के साथे जब संजय घरे अइलन तहिसे मंचवा पे बैठल होवे। जैसे आप लोग बिरहा सुने आल हुआ, ऐसे पूरे क्षेत्रवा का भीड़िए जुट गई संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद हो गया था वो जीवित मिला कैसा होगा। जब अइला तले मीडिया वाले, अब मीडिया वाले सवाल खड़ा करे लगे, संजय अपने अंदर की फीलिंग बताइए, आप जीवित मिले, गांव मिला, समाज मिला, परिवार मिला, क्या लग रहा आपको संजय? अच्छा संजय का बताऊं मैं, कहां भाग सारे पहले में हरा रुख हो जाता फिर संजय आर्यन वर्य ने से ताक है। अब तब ले बुढ़िया संजय कमाई, दिनेश भैया उस समझ गई, कहत के आए के ये बरवा सूरज को तो ललऊ हम बुझत ला ही रहू जे कहीं रखिया तो ललऊ खोजत बना। अरे हमार लाल ओकर रखिया तो के खोजलस ना ये ही रहू, 10 लाख रुपया का पौल कोनो दूसरे मर्दे के साथ है वो तो भाग ही गई। अरे बाप रे बप्पा, जो फौजी जवान इमोशनल में था ना, तेवर में आ गया। अरे माँ, मुझे ऐसी नारी की कोई जरूरत नहीं है, गजबन हो गयल ऐसे भिड़िया जुटल बा। वही भिड़िया में से पिछवा से कैसन आवाज आई जो करजबई के चीर रहलस, वो आवाज के कर रहा कैसन रहा बिरहा के आखिरी लाइन में मास्टर साहब, समझ नहीं पहले जोर से आवाज आई, सैया सैया सारा कट गई समैया कलही हमारे मामी का सरुरवा जियत भया वही। अरे बाप रे बप्पा, पूरी भीड़िए पीछे मुड़ के ताके लगल, अरे कौन बदतमीज औरत है जो संजय को अपना पति बना रही है,
भैया वो भेड़िया ना चिन्हत रहल। लेकिन संपतवा तो चिन्हते रहल होई। ओ बुढ़वा चिन्ह गेल कहलो सरेश्वर बाबा 1,00,000 रुपयो कुल ले गेल। बुढ़वा रोहित भैया दिमाग लगा दलस, डिब्बा में पानी भरलस, पेट गड़ले का बहाना करके धीरे से शिवान पकड़ ललस। अब बुढ़वा सोचा था कि जान बचे लाखों पाए। अब बुढ़िया रही, अब घर वाम से देखो थे कहत ये कहोई अर्तिया है बा लड़की खड़ी है। कैसे लोग खराब कैलस बुढ़िया धाम से गिरल बेहोश लोग का बुढ़िया का हाथ भर गल। तबले आरती आई के बाबू अपने पति के पैरवा पर इसे गिर के रोबत है। अब बारे फौजी जवान कितना बड़ा तेवर में आ गया, खींच के तमाचा एक मल पटवे पर चलौलन आरती के। आरती धड़ाम से गिरली बेहोश हो गई। जब होश गई कहली पति दे मैं विधवा लाचार कितना भटक रही थी, आपको पता नहीं आप मुझे मार रहे हैं। ए आपका बेटा मैं आपकी आरती। फौजी जवान बोला सुन आरती तू मेरी आरती थी, मेरी आरती है नहीं। सुन मैं शहीद हुआ था ना कि मेरा परिवार शहीद हुआ था। मैं देश की रक्षा कर सकता हूँ, तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई रे। क्या तू 10,00,000 रुपया पाई किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई? चली जाए आरती मेरे आपके सामने से। तब ले वही भिजवा मस्त देख रहे नौजवान उठ के खड़ा भयल पब्लिकिया मस्त लगर कसम धरावे। अरे संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, अगर आरती को एक तमाचा छुया तो। अरे मुझे पहचान रहे मैं कौन हूँ? आरती को मैं ले गया था, अपने धर्म की बैर बना करके अपने घर में रखा था। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए ना तो अपने पिता संपत जी को बुलाइए। अब भैया संपत लगने खो जाए मिलते ना वह संपत। अच्छा वो तीसरा व्यक्ति के रहा पता बा देवानंद फौजी जो आरती को बचाया था। चार गो लड़का दिनेश भैया खोजत खोजत गई पिछवाड़े वही रहरी के खेते वरी। अब बुढ़ावा पकड़ के वह रहरी का पेड़ 65 वाली मार के फेट हिला था। राम राम कहले कि बचा इज्जत। तबले चारों लड़कवा गई ले चीन ही गई कहे का हो कक्का यहाँ का करत हुआ चला घर चेक बटन धोले ला चला अब घर में चला। बुढ़वा तो जनता की भेद खुली। अब तबले भैया चारों लड़का टांग के लिए आए के खाप सामने खड़ा कर दलन। जब संजय बतिया कुल जल गई कि पैसा के चलते हमार बाप मतारी हमरे बेटा और हमरे औरत के साथ ऐसा घिनौना काम कैलन लगलन फौजी रोवे हथवा जोड़ के कहले हे पिताजी पैसे के चलते मेरी बीबी बच्चों के साथ ऐसा कर रहे थे। सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए 1 इंच मुझे नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ ये बेटा का फर्ज निभाऊंगा, जब तक जीवित रहूंगा सर्विस किया था आधा पैसा भिजवाऊंगा। लेकिन सुनिए अगर मैं शहीद हो जाऊंगा ना जो शहीदी राश मिलेगी पिताजी इसको ले लेना। लेकिन आज के दिन से ये समझ लेना है आपका बेटा शहीद था शहीद है। ए माई गॉड अनुआरती कोनो पराये पुरुष के साथे भाग गई समझ ल तो आरती केहू के साथे भगली बजा थैला माई कबो मुंह देखावे गांव में ना आई बे परिवार में।
फौजी जवान अपने बीवी बच्चों को लिया और कदम आगे बढ़ा दिया। अब तब ले ऐसे आती पिछवा मुड़ के देखली अब गजब हो बुढ़िया बुढ़वा सास ससुर हथवा ऐसे मीजत हुआ रोई न पावत हुए रोई भैया न बोली पावत हुए जैसे काठ मार दहलस समझी ना पावत हो करे का तरीका। अब तब ले आती मुड़ के अपने पति के पैरवा पर गिर के कली स्वामी जी मैं किसी और की बेटी हूं इन लोगों की मैं बहू हूं लेकिन आप तो बेटा है ना माई बाप जब पैदा करें तो बहुत बड़ा अरमान लेके मम्मी पापा के ठोकराई ना हमरे साथे गलती कही ना हम सह लाली हमके का चाहिए हमार सुहाग वापस आ गया दुनिया का सारी खुशी मिल गई हे मम्मी पापा के बिसरावा में साथे में लेले चला। फौजी जवान अपनी औरत के कहने पर रुक गया माई बाप के साथ में अलग बीबी अपने बच्चा के लेकर के संजय ड्यूटी पर चला गया। आज भी संजय ड्यूटी पर तैनात है लेकिन पासो संपदा वक्त रही भी हो कार्ड मटत हुआ कि खाए देबा मेरा आ गावे चले तो फिर हमारे आखिरी भाई कुछ गारो बजाओ में अगर गलती भई लोई तो ये आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा आखिर कहना मास्टर साहब।